हाँ जी बच्चे तो ये एक हम केस स्टडी करेंगे ये केस स्टडी आपका जो है आपको क्लियरली दिख रहा है ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कह रहा है, है? देखिए आप कह रहा है यहाँ पे कि आ, एक सेकंड थोड़ा इसको मिटा दूं देखो इसमें कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 17 में कि क्लास टेन क्लास टेन स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषि नगर दे रेक्टेंगुलर प्लॉट ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मिला है uh, किसको स्कूल को मिला है क्या चीज के लिए गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए और यहाँ के साइड में जो देख रहे हो यहाँ पे जो प्लांट लगे हुए हैं ये सारे प्लांट गुलमोहर प्लांट है जो यहाँ पे लगाया गया बाउंड्री पे और सबके बीच जो डिस्टेंस है मतलब दो प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है दो प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है देखो इधर जैसे यहाँ पे दो प्लांट है तो एक प्लांट और एक प्लांट इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है वन मीटर का देर इज अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन और इस बीच में एक ग्रास लैंड है यहाँ पे बहुत सारा ग्रास है इस ट्रायंगुलर एरिया के अंदर और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब फ्लावरिंग के लिए है यहाँ पे ये यह सब तो अब जो है इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन हुए हैं तो ये क्वेश्चन को आप समझिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहे इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं जिससे कोई डाउट ना आए चलो देखो इस क्वेश्चन में अब कह क्या रहे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कंसिडर ए एज ओरिजिन कह रहा है ए को ओरिजिन आप लेट कर लो ए को तो देखो अगर ए कहां है ए देखो इधर है इधर यहाँ पे ए क्लियर हो गया ए दिख गया आपको तो देखो ए जो है यहाँ ए है तो आपको पता है ओरिजिन किसे कहते हैं कह रहा है ए को ओरिजिन लो अगर ये ए है तो कह रहा है इसे ओरिजिन लो ओरिजिन होता है 0 0 इसका एक्स भी 0 होता है वाई भी 0 होता है तो आपको ये समझ में आ गई बात कि यहां पे 0 0 है इसका तो अगर ए ओरिजिन है तो कह रहा है इसका बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा तो क्लियरली जीरो जीरो होता है तो जीरो जीरो 0 देखो ये है जो है सो आंसर आंसर सी इज करेक्ट तो तो पहला का तो यही हो गया दूसरा देखिए आप इस क्वेश्चन को इसको मिटा लो सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें देखो अब सेकेंड में कह रहा है आपको कि वॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी p का कोऑर्डिनेट कहां है देखो p इधर है यहाँ पे जहां मैंने सर्कल किया है अब ध्यान से देखना इसे इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो p का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे आप देखो p का कोऑर्डिनेट आप कैसे बताओगे देखो इधर थोड़ा इसको ज़ूम कर देता हूं जिससे क्लियर हो जाए आपको देखो p का कोऑर्डिनेट कहां है देखिए p है यहां पे ये वाला पार्ट ये p है आपका और कह रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे आप तो पहले आप यहाँ से एक्स और वाई एक्सिस पे आ जाओ तो कैसे आओगे देखो यहाँ से यह सीधी लाइन इधर आ जाओ और सीधी लाइन उधर चले जाओ तो इधर देखोगे जहां आएगा वो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो देखो ये कहाँ आया है नीचे इधर फोर के सामने आया है तो आपको पता है ये जो नीचे है ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाली जो है ये वाई एक्सिस है तो आप देख लो कि यहाँ पे तो फोर के सामने आया है तो मतलब एक्स जो है फोर है इसका इसी तरह इसका वाई ढूंढेंगे तो थोड़ा सा इसको सीधा कर दो और वाई ढूंढो अब देखो यहाँ नंबर नहीं लगा हुआ है तो नंबर नहीं है जैसे यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव लिखा हुआ है ना देखो इधर वन टू थ्री फोर अप टू टेन है ना उसी तरह इधर नंबर नहीं है तो यहाँ नंबर आप लगा लो जैसे देखो ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये सिक्स है तो ये सिक्स के सामने है मतलब इसका वाई सिक्स हो गया तो हो तो गया देखो पहले हम एक्स लिखते हैं x की फोर है और y की सिक्स है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया फोर सिक्स तो देखो फोर सिक्स कहाँ है ए ऑप्शन है फोर सिक्स तो सेकेंड का फोर सिक्स करेक्ट हो गया तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा कार्टीजियन प्लेन पे ही ये सॉल्व हो रहा है अब इसे मैं मिटा देता हूं अब देखो आप अब क्या करोगे अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या करोगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर थ्री देखो कह रहा है व्हाट आर ऑफ आर का और इधर आ जाइए इधर कहाँ आ गया तो इधर काउंट कर लो आप वन टू थ्री फोर फाइव तो वाई की फाइव हो गया तो सिक्स फाइव हो गया देखो सिक्स फाइव इसमें भी ए ऑप्शन है सिक्स फाइव तो इसका सिक्स फाइव करेक्ट हो गया तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से चलिए आगे देखते हैं अब ये कैसे होगा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए इसको थोड़ा सा मैं अब ऊपर कर देता हूँ देखो क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ जिससे मुझे ऊपर देख जाए वो डी का कह रहा है आप देखो डी कहाँ है ये देखो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपको भी दिखना चाहिए देखो ध्यान से इसे हमें अब क्वेश्चन नंबर फोर करना है कह रहा D? D है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी अब डी कहाँ है हमें तो ऊपर चलना पड़ेगा इसके लिए तो देखो डी कहाँ है ध्यान से देखो आप डी यहाँ है यहाँ यहाँ डी तो अगर आप इसे सही से देखिए तो एग्जैक्टली exactly ये है देखो इधर अभी हमारा एक्स एक्सिस है देखो ये हमारा, एकस हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है मतलब ये जीरो जीरो है यहाँ पे तो अगर मैं काउंटिंग करूं तो कितना होगा देखो दस तक तो यहाँ है ग्यारह ये मतलब वन टू थ्री टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो d की वैल्यू क्या होगी सिक्सटीन और ये सिक्सटीन जो है x एक्सिस पे ही है तो आपको पता है x एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा मान लो सिक्सटीन है तो x एक्सिस पे सिक्सटीन है लेकिन जहां x एक्सिस पे y तो कुछ नहीं है तो वो जीरो होता है तो सिक्सटीन जीरो इसका कोऑर्डिनेट हो गया मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया सिक्सटीन जीरो d का कोऑर्डिनेट तो चलिए उसका ऑप्शन देखते हैं को कहा है इसका इसको पहले देख लो डी यहाँ पे है ना देखो डी लिखा हुआ है ये डी तो इसका कोऑर्डिनेट 16 जीरो हो गया तो एक बार देख लेते हैं क्या 16 जीरो है कोई ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर तो देखो 16 जीरो इसमें भी ए ही है तो को इसके बहुत सारे आंसर जो है ए ए आ रहा है तो कोई बात नहीं आंसर कुछ भी हो सकता है तो सिक्सटीन जीरो इज राइट आंसर तो ये थोड़ा ध्यान रखना कभी कभी कुछ अजीब से भी क्वेश्चन इसमें पूछ दिए जाते हैं तो देखो ये हो गया तो राइट आंसर है ये नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ पे अब यहाँ क्या कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पी का कोऑर्डिनेट बताना है इफ लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है क्या कंडीशन है कि पी का कोऑर्डिनेट बताओ लेकिन अगर डी जो है डी उसे अगर आप ऑरिजिन लेते हो तो चलिए P का कोऑर्डिनेट बताना है और D को ओरिजिन लेना है तो ध्यान से देखिए इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपके लिए ज़ूम आउट जिससे एक ही पेज पे दिख जाए तो ज्यादा बढ़िया चलो देखो अब देखना ध्यान से इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P का कोऑर्डिनेट बताना है हमें और D को पहले ये D को ओरिजिन लेना है डी है कहाँ देखो डी ये रहा कह रहा है इसको ओरिजिन लो तो ओरिजिन लो मतलब क्या हुआ ओरिजिन लो मतलब हो गया कि यहां पहले आप ओरिजिन है तो ये ऐसा और ये ऐसा ये है जीरो जीरो ऐसे कर दिया हमने ये एक्स हो गया ये वाई एक्सिस हो गया आपका अब आपको कह रहा है पी कोऑर्डिनेट बताओ इसके अकॉर्डिंग तो देखो पी कहाँ है तो पी से एक लाइन लेके हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे नीचे पी हमारा यहाँ पे यहाँ तो उससे सीधे नीचे आ गए तो वो कहाँ पे है काउंटिंग तो फोर लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में फोर नहीं है क्योंकि हमारा जीरो जीरो है अब तो देखो इधर तो होगा प्लस की काउंटिंग वन टू थ्री फोर और इधर सारी होगी माइनस की काउंटिंग तो देखो वन ट्री टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन देख लो एक बार इसको मिटा देता हूँ फिर से काउंट करो लग रहा है कितना काउंटिंग है ये देख लो काउंट पहले कर लो फिर दिखा दो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यहाँ तक ट्वेल्व है P के सामने तक 12 काउंटिंग आया है. तो देखो इधर कर दिया तो इधर सारा क्या होगा माइनस में जाएगा क्योंकि इधर में भी आपको पता है प्लस होता है नीचे माइनस होता है तो इधर जो आएगा ये माइनस ट्वेल्व एक्स की हो गई अब पी वाई के सामने कितना है ये भी देखना पड़ेगा हमें तो चलिए इसको वाई के सामने देखते ये तो समझ में आ गया इसका x हो गया -12 अब इसका y चेक करो कितना है देखो इसका y कितना है ये -12 लिख के रख लेता हूँ. y देखो कहाँ है इसको थोड़ा zoom कर दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए चलो इसको थोड़ा zoom कर दो अब देखो आप p ये रहा इसके ठीक सामने ये लाइन है काउंटिंग देखो ट्री की काउंटिंग चेक कर लो जहां जा लाइन डिलीवे 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 है तो देखो अब आप चेक कर लो ये हो गया और ये हो गया तो देखो यहाँ जो था ये माइनस ट्वेल्व था तो एक्स की जगह जो है अब ये माइनस ट्वेल्व हो गया और वाई इसका सिक्स हो गया तो पहले हम एक्स और फिर वाई लिखते हैं तो वैल्यू लिख दिया तो माइनस ट्वेल्व सिक्स इसका कोऑर्डिनेट हो गया देखो ये थोड़ा ट्रिकी था ना क्वेश्चन तो दो तीन आसान आएंगे दो तीन मुश्किल आएंगे चलिए तो अब देखो इसे चलते हम उसका ऑप्शन ढूंढते हैं कि कोई ऑप्शन है कि नहीं माइनस ट्वेल्व सिक्स देखो कोई ऑप्शन है फिफ्थ का माइनस ट्वेल्व सिक्स तो करेक्ट है कौन सा ऑप्शन दिख गया माइनस ट्वेल्व सिक्स इज बी ऑप्शन तो बी जो है वो राइट आंसर है तो इस तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड हो गया